जोजो किड्स। जादुई पायल। सोना अपने पिता के साथ गांव में रहती थी। बचपन में ही वह पोलियो ग्रस्त हो गई थी। एक दिन सोना अपनी सहेली मधु के साथ बागीचे में बैठी थी। मधु, ये तुम्हारी पायल कितनी सुंदर है, कहाँ से लाई? ये मेरे नाना ने मुझे दी है, काश मेरे पास भी पायल होती। शाम को सोना ने अपने पिता से पायल की बात बताई। पापा, जब आप शहर जाओगे तो मेरे लिए भी पायल ला देना। हाँ बेटा, लेकर आऊंगा, जरूर लाऊंगा। उसके पापा सोच में पड़ गए कि वो पायल कहाँ से लाएंगे। काश मेरे पास पायल लाने के लिए पैसे होते। उसके पापा सोचते हुए घर से बाहर निकल गए। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। वहीं बैठे बैठे उन्हें जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। ये क्या चमक रहा है? अरे पायल, पर ये तो एक ही है, एक और कहाँ गई? पापा ने आसपास ढूंढा तो उन्हें एक और पायल मिल गई। वो उस पायल को लेकर घर आ गए। घर पर सोना सो रही थी। उन्होंने सोना के पैरों में पायल पहना दी। सोना पायल की आवाज से उठ गई। पापा, आप मेरे लिए पायल ले भी आए, वाह ये पायल कितनी सुंदर है। बेटा, तुम खुश हो ना? हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ। इतने में पायल से एक रोशनी निकली, जैसे कोई बिजली चमक रही हो। हाँ, ये अचानक मेरे पैरों में झनझनाहट होने लगी है पापा। ऐसा कहते ही सोना उठ खड़ी हुई और पापा की तरफ भागी। अरे नहीं, रुको रुको सोना, तुम्हें लग जाएगी। पर ये क्या, सोना तो अच्छे से भाग पा रही थी। पापा के गले लग गई। उसके पापा की आंखों में आंसू आ गए। पापा, ये पायल तो जादुई है, इसे पहनते ही मैं चल पड़ी हूँ और मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। पापा, मैं ज्यादा खुश हूँ। ये तो इस पायल का चमत्कार हो गया बेटा, तो बिल्कुल ठीक हो गई। भगवान किसी भी रूप में आकर मदद करते हैं। अब मैं कभी इस पायल को खुद से अलग नहीं करूंगी। इस तरह उस जादुई पायल की वजह से सोना के पैर हमेशा के लिए ठीक हो गए। बेटी सोना, इसीलिए कहते हैं सच्चे मन से मांगो तो भगवान कभी भी कुछ भी दे देते हैं। जादुई जूते। कमल के पास नए जूते नहीं थे, इसीलिए उसने एक दिन अपनी माँ से कहा। माँ, मुझे नए जूते चाहिए। ठीक है बेटा, मैं आज ही ले आऊंगी। कमल को शाम को उसकी माँ नए और खूबसूरत जूते लाकर देती है। कमल एक बहुत अच्छा बच्चा था, वह तुरंत जूते पाकर बहुत खुश हो जाता है। वाह, कितने सुंदर जूते हैं माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं खेलने जाऊँ? हाँ बेटा जाओ। मैं इन्हें पहन कर जाऊँ? हाँ हाँ जाओ। कमल अपने नए जूते पहनकर घर से बाहर निकलता है। तभी वो एक ठेले के पास एक बच्चे को देखता है जो ठेला खींच रहा था, लेकिन उसके पैरों में जूते नहीं थे। इसके पैर तो कितने घायल हैं, बेचारे के पास जूते भी नहीं है, क्या मैं इसे एक जोड़ी जूते दे दूं? अभी कमल ने ऐसा कहा ही था कि अचानक उसके सामने हूबहू उसके जैसे सुंदर जूते सामने आ गए। अरे इतने अच्छे जूते, एक और जोड़ी, मैं इसे दे देता हूँ। कमल ने जाकर उस ठेले वाले बच्चे को नए जोड़ी जूते के दे दिए। वह बच्चा जूते पाकर बहुत खुश हुआ। फिर कमल खेलने के लिए अपने दोस्तों के पास पहुँचने ही वाला था कि उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसके सर पर बहुत सी लकड़ियाँ रखी हुई थी। चलते समय उसके पैर बहुत बुरी तरह घायल हो चुके थे। हे भगवान, कितने घायल पैर हैं, इन्हें तो जूतों की आवश्यकता है। ऐसा कहते ही फिर से जूतों का एक जोड़ा कमल के सामने आ गया। अरे वाह, जब भी मैं एक जोड़ी जूते मांगता हूँ मेरे सामने एक जोड़ी जूते आ जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है मेरे पास जादुई जूते हैं, इन्हें पहनकर मैं जो मांगता हूँ वो पूरा हो जाता है। कमल ने तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति को वो जूते दे दिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे जूतों में जादू है, इस तरह मैं कईयों की मदद कर सकता हूँ। रात में जब वह घर लौटता है तो अपनी माँ को सारी बात बताता है। क्या तुम सच कह रहे हो बेटा? हाँ माँ,
देखो मैं अभी इस जूते से जूता मांगूंगा तो एक जोड़ी जूता तुम्हें भी दे देगा। क्या सच? हाँ ये देखो, काश मेरी माँ को एक जोड़ी जूते मिल जाए। तभी तुरंत जूते में से एक और जोड़ी जूते बाहर आ जाते हैं। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, ये मामूली नहीं जादुई जूते हैं। ना जाने ये कैसे हुआ, मैं तो बाजार से सिर्फ जूते लेकर आई थी, मगर मुझे लगता है तुम्हारा दयालु स्वभाव देखकर भगवान ने हमें ये जूते दिए हैं। हमेशा सबकी मदद करना बेटा। हाँ माँ मैं यही करूँगा। और इस तरह जब भी कभी कमल को कोई बिना जूतों के मिलता तो कमल उसे एक जोड़ी जूते देना नहीं भूलता। जादुई छाता। मयूर नाम का एक 10 साल का लड़का बहुत भोला और दयालु था। उसकी कक्षा के बच्चे उसके भोलेपन का बहुत फायदा उठाते थे। किसी भी बच्चे को कुछ भी चाहिए होता तो वो मयूर से ही मांगता। मयूर सबकी मदद किया करता। एक दिन मयूर खाने में खीर लाया। खीर की खुशबू दूसरे बच्चों तक पहुंची। वाह मयूर, आज तो तेरे टिफिन से खीर की खुशबू आ रही है। हाँ आज मैं खीर लाया हूँ, खाओगे क्या? हाँ हाँ खाऊंगा, लाओ लाओ। इस प्रकार सब बच्चों ने मिलकर मयूर की सारी खीर खा ली। एक दिन मयूर ने देखा कि उसकी कक्षा की एक लड़की परेशान है। मालती क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? मेरा टिफिन किसी ने निकाल लिया है, मैं अब क्या खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास एक सेब है, तुम वो खा लो। मयूर ने मालती को सेब दे दिया। मालती ने उसे खुशी खुशी खा लिया। छुट्टी का दिन था, सभी बच्चे गांव के मैदान में खेल रहे थे। तभी तेज बारिश होने लगी, सब बच्चे अपने अपने घरों की ओर भागे, मयूर भी भागा। तभी मयूर को एक परी मिली। मयूर ये लो, इस छाते के नीचे आ जाओ, ये तुम्हें भीगने नहीं देगा। पर मैं आपसे छाता कैसे ले सकता हूँ? अगर आप मुझे अपना छाता दोगी तो आप भीग जाओगी। मैं नहीं भीगूंगी, मेरे पास बहुत से छाते हैं, तुम ये छाता ले लो। मैं ये तुम्हारी अच्छाई और भलाई की आदत की वजह से तुम्हें दे रही हूँ। यह छाता जादुई है, इसको तुम जो भी कहोगे ये वही करेगा। ऐसा कहकर परी गायब हो गई। मयूर घर की ओर चल पड़ा, छाता भी उसके ऊपर उड़ने लगा। जब मयूर घर पहुंचा तो छाता अपने आप बंद हो गया और मयूर के हाथ में आ गया। इतने सुहाने मौसम में तो समोसे खाने का मन कर रहा है। समोसे खाने हैं, ये लो समोसे। छाते के ऐसा कहते ही समोसे के पैकेट मयूर के हाथ में आ गए। ये बात राहुल ने देख ली। ये मयूर का छाता अपने आप बंद हो गया और उसके हाथ में आ गया, समोसे भी दे दिए। ये तो बड़ी अजीब बात है, लगता है कि ये जादुई छाता है। अरे इस बुद्धू को जादुई छाते की क्या जरूरत, ये तो मेरे काम की चीज है। शाम को सबकी नजर बचाकर राहुल मयूर के घर वो छाता चुरा लाया और उसे खेलने लगा। इतने में मयूर ने देखा। अरे ये तो मेरा छाता है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? जैसे मालती का टिफिन मेरे पास आ गया। राहुल तुमने चोरी की। ये छाता जादुई है ना, मुझे बताओ कि ये कैसे खुलता है। जैसे ही राहुल ने छाता आगे किया तब छाते में से आवाज आई। हाँ मैं जादुई छाता हूँ, पर मैं केवल मयूर का छाता हूँ और उसी की बात मानूंगा। तुम भागो यहाँ से, वरना मुझे पिटाई करनी भी आती है। इतना कहकर छाता उड़कर मयूर के हाथ में आ गया। अच्छे कर्मों का नतीजा हमेशा अच्छा होता है। नीले चूजे। गोपी अपने पिता के साथ गांव में रहता था। उसके घर में बहुत सारी मुर्गियां थी। गोपी मुर्गियों को दाना डालता और खुश रहता।
एक लाल रंग की मुर्गी उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। उसके पिताजी मुर्गियों के अंडे बाजार में बेच दिया करते थे, इसी से उनका घर चला करता था। एक दिन लाल मुर्गी ने अंडे दिए। गोपी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी इन अंडों को अपने साथ मत ले जाइए, ये लाल मुर्गी के अंडे हैं, इन्हें मेरे लिए यहीं छोड़ दीजिए ना, मैं इनके चूजे देखना चाहता हूँ। गोपी के पिता मान गए और उन्होंने लाल मुर्गी के अंडे गोपी को दे दिए। गोपी ने अंडों का खूब ख्याल रखा। एक दिन उसमें से बच्चे निकलने लगे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे चूजे। लाल मुर्गी और गोपी बहुत खुश थे। तभी अचानक एक दिन एक व्यापारी गोपी के पिताजी से कहने लगा, अरे सुनो भाई, क्या तुम्हारे पास किसी लाल मुर्गी के चूजे हैं? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे वो अंडे चाहिए। गोपी ने व्यापारी और अपने पिताजी की बात सुन ली और तुरंत अपने बस्ते में से नीले रंग की स्याही लाकर चूजों पर डाल दी। चूजे अब नीले रंग के हो चुके थे। व्यापारी ने जब उन्हें देखा तो कहा, अरे ये लाल मुर्गी के चूजे हो ही नहीं सकते, तुम मुझे ठगना चाहते हो। ऐसा कहकर व्यापारी वहाँ से चला गया और इस तरह गोपी ने अपने चूजों को बचा लिया। फिर उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे माफ कर दो, मैंने ही इन्हें रंग दिया है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, पर क्या करूं, मुझे इन चूजों से बहुत लगाव है, आप वादा कीजिए आप इन्हें कभी नहीं बेचेंगे, मैं आपकी हर बात मानूंगा। गोपी के पिताजी को उस पर बहुत प्यार आया। उन्होंने उसे कहा, ठीक है बेटा, घबराओ मत, मैं समझ चुका हूँ तुम्हें इन चीजों से बहुत लगाव है, मैं अब कभी इन्हें बेचने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। और इस तरह गोपी अपनी लाल मुर्गी और चूजों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। Please subscribe.